आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर की आन बान और शान माने जाने वाले महाराजा हरि सिंह जी का 23 सितंबर को जन्मदिवस, और ये तारीख सबके जहन में रहती है क्योंकि एक ऐसी तारीख है जिसको लेकर इस तरह से सियासी खेमे में भी हलचल रही कि यहाँ पर जो है तमाम यहाँ पर स्टेट हॉलीडेज जो है पिछली कुछ सरकारों ने डिक्लेयर किए, लेकिन वो महाराजा जिनसे हमारी पहचान है, हमारी विरासत जुड़ी हुई है, और एक सोच जहाँ पर जो कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा था दलितों के साथ, वो अत्याचार को किया था, वुमन एजुकेशन को वो काफ़ी ज़्यादा जो है तवज्जो दी गई थी, और वो कहा गया था कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो समान रूप से समाज में सुधार होगा। वहीं दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह समाज को सुधारने के लिए तमाम कार्य करते रहे, लेकिन आज की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें अनुराग ठाकुर मौजूद थे, और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के जिसमें MP जुगल किशोर शर्मा और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने यहाँ पर फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन साथ ही साथ अब इस बात का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर एक मोर्चे पर अग्रसर हो रही है, हर एक मोर्चे पर दावा बोल रही है, और हर एक मोर्चे पर यह दिखा रही है कि यहां पर अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो क्या जम्मू की जनता के लिए एक बहुत बड़ी मांग जो काफी समय से चलती आ रही है, जिसने संघर्ष का भी रूप लिया, एजिटेशन का भी रूप लिया, क्या वो मांग जो है आज पूरी होगी? और बिल्कुल आपका सही, बहुत सारी तालियां। और हमारे बीच शमशेर सिंह बनहास जी, इनको इनको हमने इनका स्वागत कर चुकी है, लेकिन तालियां कम आई थी, तालियां आनी चाहिए आपकी। प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन श्री अभिनव शर्मा जी को बहुत सारी तालियों से स्वागत कीजिएगा। मनियाल साहब, पूर्व मंत्री चाड़क साहब, राजीव चाड़क जी, नीरज राम, और बाकी हम महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान में कल का दिन हमेशा याद रहे, इसीलिए कि जिस मन के साथ, जिस सोच के साथ, जिस भावना के साथ अपनी रियासत का विलयकरण किया था, भारत में हमारे यहाँ के लोगों को सारे अधिकार मिले और जम्मू कश्मीर की सारी रियासत भी भारत का हिस्सा बने, इस सोच के साथ आगे बढ़े थे। लेकिन 70 वर्षों में महाराजा जी की सोच को लेकर, हालांकि अगर उनकी जो पैम्फलेट उनके जीवन पर दिया गया कि उनकी उपलब्धियां, उनका परिचय दिया गया, जो काम उन्होंने उस समय कर दिया था आजादी से पहले, वो आजादी के बाद भी 70 वर्षों तक, उस समय वैश्यवृत्ति खत्म कर दी थी, बेटियों को बेचने का, मारने का, ये सब इसके खिलाफ कानून उस समय पास कर दिया था, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, ये सारे काम अगर उस समय किए गए
और जो दलित मेरे भाई बहन है, हरिजन भाई बहन, उनको मंदिरों में ले जाकर पूजा उस समय कर दी थी, उनके लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे, लेकिन पिछले 70 वर्षों में एक परिवार की 3 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया, आजादी के बाद, विलयकरण के बाद। उन्होंने ना एससी को अधिकार लेने दिए, ना एसटी को, ना ओबीसी को, ना शरणार्थियों को लेने दिए, आपको आपके अधिकारों से वंचित रखा। तो यहां पर राज करने वाले उस राजनीतिक दल के 3 पीढ़ियों ने राज किया, मौज मस्ती की, लूटा इस प्रदेश को। लेकिन आम नागरिक की 3 पीढ़ियां चले गई, उनको मौलिक अधिकार नहीं मिल पाए, अधिकारों से वंचित रखा गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हमारी भी 3 पीढ़ियां, और तीसरी हम। अगर आप देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रह सकते, इसको लेकर एक नई सोच को खड़ा किया था देश भर में, लग अपना बलिदान दे दिया। हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका उल्लेख हुआ कि 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां पर तिरंगा झंडा फहराने लाल चौक आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी उस पूरी यात्रा को देख रहे थे। जब मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मौका मिला, और 2010 में पथराव जम्मू कश्मीर में हो रहा था, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलता था, मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और चिदंबरम जी ये कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात करते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे, 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, कोई नहीं बोला। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इंडिया फर्स्ट का कार्यक्रम पूरे देश भर में किया, जम्मू कश्मीर की समस्या को देश के से गुजरे 30 से ज्यादा राज्यों के नौजवान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, लगभग 1,00,000 कार्यकर्ता अगर माधोपुर में इकट्ठे हुए जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, तो पुल के इस पार पुलिस लगा दी गई, आर पार हजारों की तादाद। लेकिन जनून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का देखिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का देखिए। जनवरी का महीना, कड़कती ठंड, नदी के पानी में से हजारों कार्यकर्ता पानी में से निकलकर भी जम्मू में प्रवेश कर गए, क्योंकि तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराना यह हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो इसका समाधान हम वैसे नहीं निकालते कि हमें केवल इसका लाभ उठाना है। यह हमारा विचार था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते, और जब नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत आप लोगों ने दिया, चाहे राज्यसभा में नहीं भी था, लेकिन जो वाक्य जितेंद्र सिंह जी ने पहले दिन अपने सदन में कहा होगा या सदन के बाहर, उसको भी पूरा करने का काम किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, वो करके दिखाया मेरे भाई। उस वेले की शेख सरकार की भी अंदाजा होता कि ये संगठन के ये पीछे विचार कितना प्रबल है, जो कदे मुखर्जी की जेल खाने में पाने की गलती नहीं करती। मुखर्जी के स्वर्गवास के बाद असें उन्हें यह वचन दिता हा भी जेड़ा संकल्प लेइए तुम इतने आए थे, एक विधान हो संघर्ष उस तक जारी रखिए जब तक यह संकल्प पूरा नहीं होता। तो जी अजोल होर आख्या 5 तरीक अगस्त ते 6 तरीक अगस्त की यह संकल्प पूरा होया, तो जी मैं सदन च आख्या हा ये एक सच्ची श्रद्धांजलि पहली बारी असं मुखर्जी की दी। उस प्रकार के टाइम एक साइन कर हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का जो नाता जोड़ा है, यह ऐतिहासिक काम कोई भूल नहीं सकता। पूरा हिंदुस्तान पर उनका ऋण है, उनका उपकार। जितेंद्र सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, उनका पहला दिन
पिछले कार्यकाल में जिस दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज लिया और पत्रकारों के सामने मुखातिब हुए तो पहला वाक्य उन्होंने बोला था, हमारे सरकार का मिशन है, हमारे सरकार की दृष्टि है, हमें 370 हटाना है। यह पहले दिन का उनका वाक्य है। अनुराग जी की यात्रा मुझे याद है, कलकत्ता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर से शुरू कर देश के कोने कोने में जाकर पूरे देश में प्रबोधन करते हुए पठानकोट से जब वो लखनपुर तक आए थे और बाद में उनको जेल में जाना पड़ा, वो यात्रा आज भी मेरे ध्यान में है। मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में यात्रा निकली थी, उसके आयोजक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तब उनके मन में टेस्ट थी, लाल चौक में तिरंगा फैलाने के लिए जब गए तो उनको चोरी छपी से वो तिरंगा फैलाना पड़ा। अपने साथ आए हुए कार्यकर्ताओं को वहां तक वो ले जा नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी के मन में उस टाइम जो टेस्ट थी, उस टाइम जो उन्होंने सोचा था, वो उन्होंने करके दिखाया और पूरा देश आज उसका ऋण निर्देश कर रहा है। ये देश की सरकार है, मोदी साहब आए, इन्होंने इंक्वायरी से बीच की थी, मसले कश्मीर हल करो, उन्हें आख्या पुत्रो चिंता नहीं करो। हाँ, और लोकसभा मेरा ते पूरा बहुमत है, राज्यसभा और दियो मसला हल करी देने, और जिला त्रै तलाक वाला मसला ओके हो गया, और समझिए कि हूँ राज्यसभा ते लोकसभा बराबर हो गई। ते अगले का दिन खबर आई जी कि फौजा चढ़ गई, तो फिर थे बढ़िया बढ़िया सबीचा, इसको हाथ लगाया, ये बारूद का ढेर है, है? अस भी दिखे रहे कुछ मिस हो सामने आ गई है, फोगे फैल मार दे, देखो और हम पैंती है हाथ नहीं लगाना, वो के पैंती है, वो पैंती छत्ती थत्ती सत्तर पचहत्तर सारे मकाई उड़े मोदी साहब अमित साहब छड़िया का खड़ी, एक झंडा दो दो झंडे लाइए फिर दे दो दो, दिखो है अपने हले हले एनसी आले यार कलकत्ता तू शुरू हो, इतने मारो झंडा नहीं लाने देना, कलकत्ता तू झंडा लेइए पूरे इंडिया वाले नौजवान लेइए आए लखनपुर पार किया अथे झंडा हा गिरफ्तार करी उड़िया जेल पाई उड़िया, इन्हें उसे लखनपुर आख्या हा, उन्हें आख्या एक दिन होगा जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा होगा और ये खत्म जेल की सलाखों के पीछे होगा।